यू आर अगेन वेलकम। पॉलिनोमियल्स हम पढ़ रहे हैं, एक दो लेक्चर्स मैंने दिए हैं पॉलिनोमियल्स पर, और आज भी हम वही कंटिन्यू करेंगे नाइन्थ क्लास का, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है पॉलिनोमियल्स, जिसकी ज़रूरत आपको फिर टेंथ में भी पड़ेगी और हायर क्लासेस में भी। हम लास्ट टाइम हमने पॉलिनोमियल की डेफिनेशन ली थी पॉलिनोमियल्स में, हमने फिर डिग्री डिफाइन किया था, इसके कोफिशेंट्स बोले थे मैंने, कॉन्स्टेंट कहा था मैंने क्या है, वेरिएबल मैंने कहा था, तो ये चीज़ें क्लियर हो गई आपको। और आज हम यही कंटिन्यू करेंगे। स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल्स भी मैंने कहा था आपको, स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में जब हम पॉलिनोमियल्स को लाते हैं तो वो चीज़ें भी हमने डिस्कस की हैं। तो आज आप देखिए, मैं एक एग्जाम्पल लूंगा पॉलिनोमियल की। पहले एक एग्जाम्पल हम लेंगे, इसका नाम भी मैंने कहा था आपको, नाम कैसे हम इसका देते हैं। अगर एक पॉलिनोमियल हम लेंगे वेरिएबल एक्स में, वेरिएबल आपको मालूम है जो चेंज होता है, कॉन्स्टेंट होता है, जो फिक्स होता है, ये मैंने कहा है आपको। अगर हम एक पॉलिनोमियल लेंगे पी एफ एक्स, इसका मतलब है एक पॉलिनोमियल एक्स वेरिएबल में है, सपोज 3x⁴ -4x⁴ +x-2। आप देखिए ये पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टैंडर्ड फॉर्म में वही पॉलिनोमियल होता है जिसका वेरिएबल जो होता है, उसका जो एक्सपोनेंट होता है, पावर होता है, वो चाहे या इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा या डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। तो आप देखिए ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, यहाँ पर पहले 4 है पावर इस एक्स का, यहाँ पर 3 है पावर, फिर इस यहाँ पर यहाँ 2 लेंगे, स्क्वायर लेंगे, एक्स स्क्वायर लेंगे, फिर -2x लेंगे, फिर +1 सपोज लेंगे। ये कंप्लीट स्टैंडर्ड फॉर्म में अब आए, ये कंप्लीट स्टैंडर्ड फॉर्म में, पहले 4 पावर, फिर 3 पावर, फिर 2 पावर, फिर पावर 1, फिर पावर 0। और ये जो टर्म्स हैं, ये एक टर्म कहलाती है, ये इसकी दूसरी टर्म है, ये इसकी तीसरी टर्म है, चौथी टर्म है, पांचवी टर्म है, और ये मैंने कहा है आपको। और इस पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो 4 है। डिग्री क्या होता है? एक पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वो डिग्री कहलाती है। तो ये डिग्री 4 है इसकी। और इस डिग्री के साइड में जो कांस्टेंट बैठा होता है, इस एक्स पावर 4 के साइड में लेफ्ट में, इसको आप कांस्टेंट बोलते हो, या बोलते हो इसको कोफिशियंट भी बोलते हो, या बोलते हो उसको लीडिंग कोफिशियंट। ये लीडिंग कोफिशियंट कहलाता है। ये -4 जो है ये कोफिशियंट एक्स क्यूब का है, ये यहां पर इसका 1 है कोफिशियंट एक्स स्क्वायर का, यहां पर कोफिशियंट है -2, साइन के साथ बोलना पड़ता है, और यहां पर ये कांस्टेंट टर्म है 1। तो इस थ्री को आप लीडिंग कोफिशियंट बोलते हो। इसके बाद हम पॉलिनोमियल को आगे ले जाएंगे, हम पढ़ेंगे अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, बट हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। हम देखेंगे टाइप्स, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ ए पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। टर्म्स की बिना पर हम पॉलिनोमियल के टाइप्स बोलेंगे। पॉलिनोमियल मेनी टर्म्स, जिसके बहुत सारे टर्म्स होते हैं, मगर इसमें एक एक्सेप्शन भी है। अगर पॉलिनोमियल का एक ही टर्म होगा तब भी वो पॉलिनोमियल कहलाता है, इसके एक्सेप्शन है। वैसे तो मीनिंग है इसकी पॉलिनोमियल, मेनी टर्म्स, बहुत सारे टर्म्स, मगर अगर एक ही टर्म होगी तब भी आप पॉलिनोमियल कहोगे। मगर कंडीशन क्या है? कंडीशन है पॉलिनोमियल में, आपको मालूम है, जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल का पावर होना चाहिए होल नंबर या नॉन नेगेटिव इंटीजर, आप बोलोगे उसको वही है होल नंबर, नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो और कॉन्स्टेंट नंबर होना चाहिए इसके साइड में, और वेरिएबल होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर पहला जो टाइप है, फर्स्ट वन,
टर्म्स के बिना पर, उसको आप बोलते हो मोनोमियल, मोनोमियल, मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब है सिंगल टर्म, मोनोमियल का मतलब है सिंगल टर्म, मतलब सिंगल टर्म वाला, एक टर्म वाला पॉलिनोमियल, सिंगल टर्म, सिंगल टर्म। मोनो का मतलब है सिंगल, वन, मियल मीन्स टर्म, सिंगल टर्म। को सिंगल टर्म, एक ही टर्म वाला जो पॉलिनोमियल है उसको बोलते हो मोनोमियल। एग्जाम्पल देंगे, थ्री एक्स स्क्वायर, एक ही टर्म है, सिंगल टर्म है। आपको मालूम है टर्म में क्या होता है, टर्म किस चीज से बनी है, कॉन्स्टेंट, वेरिएबल और पावर, सभी मल्टीप्लिकेशन में होते हैं। तो ये है ना कॉन्स्टेंट, थ्री कोएफिशिएंट भी बोलते हो आप, एक्स स्क्वायर का कॉन्स्टेंट भी बोलते हो, एक्स है वेरिएबल और पावर है टू। तो ये है आपका मोनोमियल और पॉलिनोमियल, मतलब सिंगल टर्म वाला, इसके एक्सेप्शन सिंगल टर्म वाला पॉलिनोमियल। इसके बाद ये एक और एग्जाम्पल, दूसरे एग्जाम्पल देंगे, माइनस टू एक्स। यहां देखिए आप, माइनस टू इसका कोफिशियंट बन गया एक्स का, या कॉन्स्टेंट भी बोलते हो, और यहां पर इसका पावर वन है, तो ये भी एक टर्म वाला पॉलिनोमियल है, इसको बोलते हैं मोनोमियल, मोनोमियल, ये भी मोनोमियल। और इस ये जो पॉलिनोमियल है इसका डिग्री क्या है, टू, इसका यही हाईएस्ट पावर है। इसका डिग्री क्या है, इसका डिग्री वन है, मोनोमियल का डिग्री यहां पर वन है इस पॉलिनोमियल का, इसका हाईएस्ट पावर यही है। इसके बाद एक और एग्जाम्पल, तीसरी, 4y पावर 6। अब देखिए ये भी मोनोमियल है, एक टर्म y पावर 6। हाँ, फोर्थ में, फोर्थ एग्जाम्पल में x, बस ये x, इसका कॉन्स्टेंट भी है साइड में, वन यहां पर है, पावर भी है वन, तो पावर भी है, वेरिएबल भी है, कॉन्स्टेंट भी है, जिसको लीडिंग कोएफिशिएंट भी बोलते हो, या कोएफिशिएंट बोलते हो इधर, क्योंकि यहां पर एक ही टर्म है, इसको बोलते हो पॉलिनोमियल, मगर मोनोमियल स्पेशल नाम इसका, मोनोमियल एक ही टर्म। हाँ, फिफ्थ, थ्री कॉन्स्टेंट नंबर, अगर अकेला होगा ना, ये भी मोनोमियल है, ये भी मोनोमियल है, इसकी भी, ये भी एक ही टर्म है। अब बोलोगे आप, इसका वेरिएबल कहाँ है, इसका वेरिएबल होना चाहिए, वेरिएबल है इसका, देखो कैसे, मैं लिखूंगा 3 into 1, isn't it? 3 into 1 हो गया 3, फिर मैं लिखूंगा इसको 3 into x raised to power 0, anything raised to power 0 हो गया ना 1, तो आपका आ गया इस यहां पर वेरिएबल भी, तो वेरिएबल का पावर 0 है, वेरिएबल का पावर 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, हो गए ना पॉजिटिव होल नंबर्स। तो ये पॉसिबल है, अगर आपका अकेले में अगर आपका कॉन्स्टेंट होगा तो ये यू कैन रिप्रेजेंट इट 3 into x power 0, तो इसका मतलब है ये आपका मोनोमियल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही मोनोमियल है आपका। हाँ, अगर मैं एक और एग्जाम्पल लूंगा, फोर्थ सिक्स्थ वाली एग्जाम्पल अगर मैं लूंगा, 2 divided by 3, एब्सोल्युटली ये भी आपका कॉन्स्टेंट है। हाँ, क्या लिखोगे, 2 by 3 into 1, हो गया 2 by 3, एलोबरेट करके ये बन गया आपका 2 by 3 into x raised to power 0, आ गया आपके टर्म में कॉन्स्टेंट भी, वेरिएबल भी, पावर भी, ये होना चाहिए, मगर एक ही टर्म में, मोनोमियल, इसको बोलते हैं मोनोमियल। देखो अगर हम एक और एग्जाम्पल लिखेंगे, सेवेंथ एग्जाम्पल हम लिखेंगे, मैं लिखूंगा सपोज 2 divided by x, नो, ये आपका मोनोमियल नहीं है, ये जो टर्म है ये डिविजन में है। आपके टर्म्स कैसे होते हैं, आपके टर्म्स होते हैं मल्टीप्लिकेशन में, आप देखो मल्टीप्लिकेशन, 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 यहां पर डिविजन है मगर ये कॉन्स्टेंट नीचे है, कॉन्स्टेंट हमें कुछ नहीं करेगा, वेरिएबल में होना चाहिए डिविजन में, आपका वेरिएबल होना चाहिए न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में नहीं। देखो क्यों, मैं बता दूंगा आपको, इसका पावर वन है, अगर आप ऐसे लिखोगे 2 into, इस x को ऊपर न्यूमरेटर में ले आओ, ये बनेगा आपका x raised to power, मगर बनेगा -1। जब भी आप वेरिएबल डिनोमिनेटर में अगर आपका कोई नंबर होगा, कोई वेरिएबल होगा, उसका कोई पावर होगा, अगर आप उसको न्यूमरेटर में ले आओगे तो उसका पावर का साइन चेंज होता है।
तो यहां पर क्या हो गया, एक्स पावर वन को क्या बना ऊपर, एक्स पावर माइनस वन, तो आपका पावर आ गया नेगेटिव। मैंने कहा है आपको जो पावर जो वेरिएबल आपको होता है उसका पावर कैसा होना चाहिए, होल नंबर। तो ऑब्वियसली ये पॉलिनोमियल नहीं है, सिंगल टर्म है ये, मगर पॉलिनोमियल ही नहीं है। इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, नॉट अ पॉलिनोमियल, नॉट अ पॉलिनोमियल। इसको पॉलिनोमियल नहीं कहोगे क्योंकि आपका जो पॉलिनोमियल का जो टर्म होता है उसमें वेरिएबल होता है, कांस्टेंट होता है, मगर वेरिएबल का पावर होता है होल नंबर। तो ऑब्वियसली ये इसको आप पॉलिनोमियल नहीं कहोगे, इजंट इट। अब देखो एक और एग्जांपल हम लेंगे, एट्थ वाली एग्जांपल हम लेंगे, एक मैं ऐसे लिखूंगा 2y/7/3, ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये मोनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है, क्योंकि इसका जो पावर है वो फ्रैक्शन है। पावर क्या होना चाहिए, पावर क्या होना चाहिए, पावर होना चाहिए हमारा होल नंबर। तो दैट इज व्हाई आप इसको नहीं मानोगे, आप इसको पॉलिनोमियल कम नहीं मानोगे, पॉलिनोमियल नहीं मानोगे। तो ये हो गया आपका मोनोमियल। तो मोनोमियल कैसा पॉलिनोमियल होता है, मोनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसमें आपका एक ही टर्म होगा, मगर वो टर्म क्या होना चाहिए, वो टर्म होना चाहिए किसे बनी होनी चाहिए, उस टर्म में कांस्टेंट होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए, और वेरिएबल का पावर होल नंबर होना चाहिए, वेरिएबल का पावर होल नंबर होना चाहिए। वही वही वाली टर्म आप लोगे, ये टर्म है ये, मगर पॉलिनोमियल टर्म नहीं है, मोनोमियल टर्म नहीं है। पॉलिनोमियल में मोनोमियल में पॉलिनोमियल नहीं है, ये आप याद रखिएगा, राइट। तो इसके बाद है बाइनोमियल, इसके बाद है बाइनोमियल। ये टर्म की बुनियाद पर हम पॉलिनोमियल के टाइप्स बोल रहे हैं। बाइनोमियल होता है, बाई का मतलब है टू, मानो है, मानो का मतलब क्या है, मानो है सिंगल टर्म। इसके बाद है बाइनोमियल, देखो बाई बाइसिकल, बाइसिकल बाई होते हैं दो, टू बाइनोमियल। बाइनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसके दो टर्म्स होते हैं, दो ही टर्म्स होते हैं इस पॉलिनोमियल। देखो बाइनोमियल टू टर्म्स वाला पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल विद टू टर्म्स, अ पॉलिनोमियल विद टू टर्म्स, एक पॉलिनोमियल जिसके दो टर्म्स होते हैं, अ पॉलिनोमियल विद टू टर्म्स, वो पॉलिनोमियल जिसके दो टर्म। फॉर एग्जाम्पल देखो अगर हम एग्जाम्पल लेंगे 3x+7, हाँ इसके दो टर्म्स है, पॉलिनोमियल विद टू टर्म्स, ये है बाइनोमियल। देखो ये एक टर्म है, दूसरा टर्म दो टर्म, इस टर्म में भी कांस्टेंट है, वेरिएबल है, पावर है, कांस्टेंट है, वेरिएबल साइड में है एक्स पावर जीरो, तो ये दो टर्म वाला पॉलिनोमियल, इसको बोलते हैं बाइनोमियल। हाँ देखो सेकंड वन मैं लिखूंगा x²+x, दो टर्म वाला पॉलिनोमियल है। अब देखिए x²+x, एक और दो टर्म, इसको बोलते हैं बाइनोमियल। हाँ तीसरा हम लिखेंगे 2+x³, दो टर्म वाला, एक और दो टर्म वाला पॉलिनोमियल, इसको बोलते हैं बाइनोमियल। पॉलिनोमियल होना चाहिए, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, इधर वो मैंने कही आपको, वो इंपॉर्टेंट है। हाँ फोर्थ 5x⁶+9x, दो टर्म वाला पॉलिनोमियल है, ये एक टर्म, ये दूसरा टर्म, इट्स कॉल्ड बाइनोमियल। अब मैं लिखूंगा इधर फिफ्थ वन, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। मैं लिखूंगा x+5x, ये भी दो टर्म है, मगर ये लाइक टर्म्स है, ये लाइक टर्म्स है, ये 5x, ये 1x, इसका मतलब है ना, हम इसका ऐड भी कर सकते हैं, हम ऐड भी कर सकते हैं। देखो 5 bananas 1 banana, 5 bananas 1 banana हो गए ना 6 bananas, तो इसका एक ही टर्म बन गया आपको। यहां पर ये दो टर्म्स थे, मगर ये एक ही टर्म एक्चुअली बना, क्योंकि इसका हमने ऐड किया, हम ऐड कर सकते हैं।
मगर लाइक टर्म्स होनी चाहिए। लाइक टर्म का मतलब है ये जो एक्स अगर है इधर, यहां पर भी एक्स होना चाहिए। ये है वन बनाना, फाइव बनानास, ओके सिक्स बनानास, तो ये है सिंगल टर्म, तो ये बाइनोमियल नहीं है। इट इज नॉट अ बाइनोमियल, ये बाइनोमियल नहीं है। बाइनोमियल क्यों नहीं है ये? क्योंकि इसमें एक ही टर्म है, ये मोनोमियल है। एक्चुअली दो टर्म्स थे मगर मैंने उनका ऐड किया, मैं ऐड कर सकता हूं इनका, इन दो का मैं ऐड नहीं कर सकता हूं। 3x+7 नो, मैं नहीं कर, ये अलग टर्म है, अलग टर्म है। ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स पावर वन है। अगर पावर यहां पर 2 है, यहां पर पावर 1 है, मैं इनका ऐड नहीं कर सकता हूं। आई कॉन्ट ऐड बिकॉज दीज आर अनलाइक टर्म्स। अगर आपके पास लाइक टर्म्स होंगे आप ऐड कर सकते हो। तो यहां पर आप देखो, तो इसको आप मानोगे मोनोमियल, ये मोनोमियल, ये बाइनोमियल नहीं है, ठीक है ना? बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको। देखो एक और एग्जांपल मैं लूंगा, x² + x² आप देखिए दो टर्म्स है ये एब्सोल्यूटली, मगर ये लाइक टर्म्स है क्योंकि पावर सेम है, पावर सेम है। जब भी वेरिएबल का पावर एक ही वेरिएबल अगर होगा, अगर उनका पावर सेम होगा तो वो लाइक टर्म्स कहलाती है। जैसे यहां पर x^1 x^1 तो अब ये बन गया 5+1 हो गया 6x, तो यहां पर x² + x² कितने हो गए 2x², क्योंकि इसको भी आप मानो कुछ ऑरेंज, ये भी एक ऑरेंज है, तो एक और एक ये है दो ऑरेंज 2x², तो ये है मोनोमियल, इट इज नॉट अ बाइनोमियल। बाइनोमियल सेपरेट होने चाहिए, बाइनोमियल अनलाइक टर्म्स होते हैं। देखो यहां पर अगर आप देखोगे यहां पर कितने टर्म्स है, 1, 2, 3, 4, 5 टर्म्स है, मगर ये है अनलाइक। क्यों है अनलाइक? क्योंकि इसका पावर 4 है, इसका पावर 3 है, इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है, इसका पावर 0 है। कोई दो टर्म्स ऐसी हैं जिनमें पावर सेम है? ना 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 ना, अगर होंगी तो हम उनको ऐड करेंगे, हम मिलाएंगे उनको, हम मिला सकते हैं जब लाइक टर्म्स होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है पॉलीनोमियल में। तो यहां पर आप देखिए, यहां पर ये 6x बन गया, ये आपका बन गया 2x², तो ये आपका बन गया बाय मोनोमियल, एक ही टर्म है। कुछ और एग्जांपल्स करेंगे हम बाइनोमियल्स पर, बाइनोमियल्स पर कुछ और एग्जांपल्स हम दिखाएंगे आपको। देखो देखो यहां पर आप देखो बाइनोमियल की एक और एग्जांपल, देखो एक और एग्जांपल, सेवंथ एग्जांपल, ये बाइनोमियल नहीं है। यहां पर सेवंथ एग्जांपल 3x² + 5x², इसको बाइनोमियल मानोगे? ना ना ना, क्यों नहीं मानोगे? क्योंकि ये लाइक टर्म्स है, x² 3 ऑरेंजेस, 3 ऑरेंज और 5 ऑरेंज, x² को मैंने ऑरेंज माना, इसको मानो ऑरेंज आप, तो ये बन गए 5+3 हो गए 8x², तो 8x² ये मोनोमियल है आपका। तो आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सीखा, जब पी एक एक्सप्रेशन में आपके टर्म्स अगर लाइक होते हैं तो आप उनको ऐड करो, उनको आप ऐड करो, आप ऐड कर सकते हो। अगर अनलाइक होंगे तो ऐसे ही रखो, तो ये मोनोमियल है, ये बाइनोमियल नहीं है। हाँ अगर मैं ऐसे लिखूंगा x² - x³, ये है बाइनोमियल, इसमें दो टर्म्स है, अनलाइक बाइनोमियल है, एक टर्म दूसरी टर्म। इसका कोएफिशिएंट क्या है? इसका कोएफिशिएंट है 1, इसका कोएफिशिएंट क्या है? इसका कोएफिशिएंट है -1, इसका डिग्री क्या है? इसका डिग्री है 3, हाईएस्ट पावर, तो यहां पर इसका डिग्री 2 ही है, ये मोनोमियल है। तो ये है बाइनोमियल आपका, दो टर्म वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अगर मैं एक और एग्जांपल लूंगा नाइन्थ में, एक और एग्जांपल हम लेंगे, जितनी एग्जांपल्स हम मैथ्स में करेंगे ज्यादा ज्यादा ज्यादा, तो उतना फायदा, उतना हमें पूरा अंडरस्टैंड होता है, हर कोई चीज क्लियर होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जांपल्स देना। तो यहां पर देखिए नाइन्थ में एक और एग्जांपल में दूंगा, मैं लिखूंगा 5x³ + 6 - 6, तो दो टर्म है, दो टर्म वाला है, इट्स बाइनोमियल। यहां पर इसका है 5x³ इस टर्म में, और इस टर्म में क्या है -6, और इसका पावर 3 है, इसका पावर 0 है, तो दो अनलाइक टर्म्स। इंपॉर्टेंट क्या है, एक पॉलिनोमियल में टर्म्स अनलाइक होने चाहिए, एक पॉलिनोमियल में टर्म्स अनलाइक होने चाहिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो एक और एग्जांपल देंगे बाइनोमियल की, जिसमें दो टर्म्स होते हैं। देखो एक टेंथ वाली एक एग्जांपल लूंगा मैं लूंगा
प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स। दिखने में लगता है कि तीन टर्म्स है ये, मगर तीन टर्म्स ये नहीं है बेटा, ये दो ही टर्म्स है। क्यों? क्योंकि ये दो जो है ये लाइक है, ये लाइक टर्म्स है, क्योंकि इसका एक्स स्क्वायर है, इसका एक्स स्क्वायर है। अगर इसके साइड में कुछ नहीं है तो ये वन एक्स स्क्वायर है, तो इनको ऐड कीजिए आप, लाइक टर्म्स का हम ऐड कर सकते हैं, तो ये बनेगा आपका थ्री प्लस वन हो गए फोर एक्स स्क्वायर, फोर एक्स का चार एक्स स्क्वायर और माइनस फाइव एक्स। अब बन गया ये आपका बाइनोमियल, अब बन गया आपका ये बाइनोमियल। तो बाइनोमियल क्या है? बाइनोमियल में दो टर्म्स होते हैं, मगर पूरा ख्याल रखिएगा, अगर टर्म्स अनलाइक होते हैं तभी तो वो बाइनोमियल कहलाता है। अगर टर्म्स अनलाइक होते हैं, हाँ, टर्म्स शुड बी अनलाइक, टर्म्स शुड बी अनलाइक, ये नोट कीजिएगा, टर्म्स शुड बी अनलाइक। अनलाइक क्या होता है? अनलाइक वो टर्म्स होते हैं जिसमें वेरिएबल का पावर डिफरेंट होता है, जिसमें वेरिएबल का पावर डिफरेंट होता है, वो अनलाइक होते हैं। तो यहां पर डिस्टर्ब की थी एक्स स्क्वायर थ्री एक्स स्क्वायर, मगर टर्म एक ही है क्योंकि हमने ऐड किया थ्री और वन गए फोर, तो इसको बोलते हैं बाइनोमियल। तो बाइनोमियल क्या है? बाइनोमियल वो पॉलिनोमियल है जिसमें दो टर्म्स हैं, ठीक है। हम टाइप्स डिफाइन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। सिमिलरली हम तीसरा टाइप जो है उसको बोलोगे ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या होता है? ट्राइनोमियल होता है जिसके तीन टर्म्स होते हैं, वो पॉलिनोमियल जिनके तीन टर्म्स मगर क्या होते हैं? अनलाइक होने चाहिए। ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। ट्राई मीन्स थ्री, नोमियल मीन्स टर्म्स। ट्राइनोमियल तीन टर्म वाला, तीन थ्री टर्म्स पॉलिनोमियल, थ्री टर्म पॉलिनोमियल, तीन टर्म वाला पॉलिनोमियल। बट द टर्म्स शुड बी अनलाइक, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। टर्म्स क्या होने चाहिए? अनलाइक। देखो फर्स्ट वन मैं लिखूंगा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन, तीन टर्म वाला पॉलिनोमियल है। अब देखो थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन, तीन ही टर्म्स है, वन टू थ्री, तीन टर्म्स अनलाइक है, क्योंकि इसका पावर टू है, इसका पावर वन है, इसका पावर जीरो है। और यहां देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? थ्री। एक्स का कोएफिशिएंट क्या है? माइनस वन, और माइनस वन तो खुद कॉन्स्टेंट है। तो ये जो थ्री है ये इसका लीडिंग कोएफिशिएंट है, ये आपको मालूम है। इसका डिग्री क्या है? हाईएस्ट पावर, इसका डिग्री है टू, इसका डिग्री है टू। तो यहां देखिए आप इसका दूसरा एग्जाम्पल में दूंगा, मैं लूंगा टू बाई थ्री एक्स रेज टू पावर टू प्लस फाइव एक्स प्लस सेवन, तीन टर्म है ट्राइनोमियल। यहां देखिए ये है टू बाई थ्री एक्स स्क्वायर एक टर्म, दूसरा टर्म है फाइव एक्स, तीसरा टर्म है प्लस सेवन, तो इसको बोलते हैं ट्राइनोमियल, तीन टर्म वाला पॉलिनोमियल। अनलाइक होना चाहिए, अनलाइक तो मैंने कहा है आपको। एक और एग्जाम्पल हम देंगे थर्ड वाली, ऐसे लिखेंगे फाइव एक्स क्यूब प्लस सेवन एक्स प्लस एट, तीन ही टर्म है, फाइव एक्स क्यूब एक टर्म, सेवन एक्स दूसरी टर्म, एट तीसरा टर्म, तो इसको आप बोलते हो ट्राइनोमियल, इसको बोलते हो ट्राइनोमियल, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट्स है, फाइव सेवन एट कॉन्स्टेंट है, एक्स इसका वेरिएबल है, राइट। हां फोर्थ वन, फोर्थ वन मैं लिखूंगा ऐसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए आपको, यहां पर आप कंफ्यूजन में आओगे कि एक्स इसका वेरिएबल है मगर ये ए बी सी भी वेरिएबल है। यहां पर लिखा होगा, फिर यहां पर लिखा होगा वायर, वायर ए बी सी और कॉन्स्टेंट्स, नीचे लिखा होगा ए बी सी और कॉन्स्टेंट्स। ये जो ए है बी है और सी है ये कॉन्स्टेंट्स है, तो इनका वैल्यू ऐसे ही है, टू है थ्री है फोर है, कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट्स आपको मालूम है फिक्स्ड क्वांटिटी। और फिर ये एक्स क्या है? एक्स है वेरिएबल, एक्स के बारे में कुछ नहीं कहा है, तो एक्स है वेरिएबल, तो ए बी सी है कॉन्स्टेंट्स। जब उधर लिखा होगा, जब उधर लिखा होगा तो इजिली हम कह सकते हैं ये ए बी सी कॉन्स्टेंट्स है, ये नंबर्स है, कोई कॉन्स्टेंट फिक्स्ड नंबर्स है, ये एक्स है वेरिएबल, ये चेंजेबल क्वांटिटी है, ये पता ही नहीं है, ये हमें पता ही नहीं है, तो इसको आप बोलते हो ट्राइनोमियल। क्यों है? क्यों ये ट्राइनोमियल है? इसके तीन टर्म्स है, इस टर्म में क्या है ए एक्स स्क्वायर, इस टर्म में क्या है बी एक्स, इस टर्म में क्या है सी,
तो आप देखो ये जो ए है लीडिंग कोफिशियंट, बी है कोफिशियंट ऑफ एक्स, सी है कॉन्स्टेंट। तो यहां पर ये स्क्वायर जो है इसका स्क्वायर ये है इसका डिग्री, क्योंकि डिग्री क्या होता है हाईएस्ट पावर। तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री है 2 और ये ट्राइनोमियल है। ट्राइनोमियल मींस इसके 3 टर्म्स हैं ये। तो ऐसे भी पॉलिनोमियल कभी होता है, मगर इसमें लिखा होता है कि जो अगर कुछ कौन कुछ वेरिएबल कुछ अल्फाबेट्स होते हैं उसमें तो लिखा होता है तो वो क्या है, यहां पर वो लिखा हुआ है ए बी सी कॉन्स्टेंट्स है, तो इसको आप ट्राइनोमियल बोलोगे। सिमिलरली एक और एग्जाम्पल में ट्राइनोमियल की बता दूंगा आपको, मैं लिखूंगा 5x माइनस एक्स क्यूब माइनस 6। अब देखिए इसके भी 3 टर्म्स है, पहली वाली टर्म कौन है, पहली वाली टर्म है 5x, दूसरी वाली टर्म कौन है माइनस एक्स क्यूब, तीसरी वाली टर्म कौन है माइनस 6। 3 ही टर्म्स है स्टैंडर्ड, मगर इसका ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ये तो जाहिर सी बात है क्योंकि इसका जो पावर है वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फॉर्म में नहीं है। इसका पावर 1 है, इसका पावर 3 है, इसका पावर 0 है। तो यहां पर अगर आप देखोगे इसका डिग्री क्या है, इसका डिग्री क्या है इस पॉलिनोमियल का 3, हाईएस्ट पावर 3 है। इसका लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है, जो हाईएस्ट पावर के वेरिएबल के लेफ्ट साइड में जो कांस्टेंट होता है कोएफिशिएंट होता है उसी को आप बोलते हैं लीडिंग कोएफिशिएंट। तो इसका लीडिंग कोएफिशिएंट है माइनस वन, क्योंकि एक्चुअली यहां पर है -1 इन एक्स क्यूब हो गया -1, राइट। तो इस तरीके से आप ट्राइनोमियल कहते हो। तो इसके बाद हम फिर टेट्रानोमियल भी बोलते हैं। टेट्रा मीन्स चार टर्म वाला, पेंटानोमियल 5 टर्म वाला पॉलिनोमियल, हेक्सानोमियल 6 टर्म वाला पॉलिनोमियल, तो जनरल बोलते हैं पॉलिनोमियल। तो यूजुअली हम ट्राइनोमियल पे ही जाते ताकि जाते हैं। कुछ मैं वो भी लिखूंगा। देखो इसके बाद है टेट्रोनोमियल 4 टर्म पॉलिनोमियल, राइट। इसके बाद है पेंटानोमियल 5 टर्म वाला पॉलिनोमियल, इसमें कोई एंड नहीं है, 5 टर्म पॉलिनोमियल, ये हो गया पेंटानोमियल। इसके बाद लिखेंगे हेक्सानोमियल 6 टर्म वाला पॉलिनोमियल, 6 टर्म पॉलिनोमियल, हेक्सानोमियल। इसके बाद है हेप्टानोमियल क्या है, 7 टर्म वाला पॉलिनोमियल, 7 टर्म पॉलिनोमियल। इसके बाद है ऑक्टानोमियल क्या होता है, 8 टर्म वाला, मगर टर्म्स क्या होने चाहिए, अनलाइक 8 टर्म वाला पॉलिनोमियल। तो इस तरीके से हम पॉलिनोमियल्स, और भी आगे हम जाएंगे नैनोमियल, डिकोनोमियल 10 टर्म वाला, तो ऐसे जहां तक मर्जी है आप जा सकते हो, क्योंकि एंड मत है कोई पॉलिनोमियल बनाने का, एंड कोई नहीं है, आप बना सकते हो, टर्म्स ऐड कर सकते हो, बना सकते हो, पावर कुछ भी रख सकते हो, तो इसीलिए इसका कोई एंड नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। यूजुअली हम बस यहां पर पढ़ते हैं यही ट्राइनोमियल और टेट्रानोमियल तक हम पढ़ते हैं, बस 4 टर्म वाला 3 टर्म वाला वो पॉलिनोमियल्स हम ज्यादा पढ़ते हैं। तो आज मैंने डिफाइन किया है आपको पॉलिनोमियल के टाइप्स, मगर ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, पॉलिनोमियल के टाइप्स बट ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, राइट। नेक्स्ट टाइम एक और लेक्चर के साथ मैं आपके सामने आऊंगा और उस टाइम हम पॉलिनोमियल के टाइप्स पढ़ेंगे बट ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, पॉलिनोमियल के टाइप्स पढ़ेंगे उस टाइम बट ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।